हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं बहुत सारे, जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है। रूपा जी, देख रहे हैं कि सरसों को लेकर ज़्यादा सवाल हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरसों की नई आवक मंडियों में आने वाली है। लेकिन रूपा जी, देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में जो बारिश हुई है, उससे आपको क्या लगता है, सरसों की फसल को, ये सरसों की फसल के लिए अच्छे साबित हो सकती है ये वाली बारिश, जो बेमौसमी बारिश देखने को मिल रही है इस समय, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मंडियों में जो अराइवल्स हैं वो थोड़ी और लेट हो जाएं? देखिए, बिल्कुल, अभी जो ये ओलावृष्टि भी कई जगह पर देखने को मिली है, जिसका सीधा असर सरसों के ऊपर पड़ा है, और सरसों के काफी फूल जो है वो झड़ते हुए कई मंडियों में दिखाई दिए हैं, कई खेतों में। और ऐसे में हर एक जगह से खबरें निकल कर आ रही हैं कि फसलों को काफी डैमेज देखने को मिला है, काफी जगह पर, काफी गांव के अंदर जो है सरसों पे जो ओलावृष्टि की मार पड़ी है, उसका सीधा असर सरसों की फसल के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है, और काफी क्रॉप जो है वो डैमेज हो गई है। कुछ कुछ जगहों पर तो 80% तक का नुकसान बताया जा रहा है कि सरसों की फसल डैमेज हो चुकी है। ऐसे में अब देखिए, अगर फसल खराब होती है और सप्लाई डिस्टर्ब होती है, तो डेफिनेटली प्राइसेस को एक बूस्टअप मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, और आगे चलकर हो सकता है कि सरसों की कीमतों में तेजी देखने को मिले, वो भी अगर किसी के पास अच्छी क्वालिटी की सरसों है तो उसके प्राइसेस बूस्टअप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो काफी असमंजस की स्थिति है, काफी जगह पर सरसों की फसल पर संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, और काफी जगहों से नुकसान होने की खबरें निकल कर आ रही हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल ये कहना कि प्राइसेस कहां जाएंगे थोड़ा सा मुश्किल होगा। अभी आंकलन निकल कर आने दीजिए कि एक्चुअल में कितनी क्रॉप डैमेज हुई है, उसके बेस पर ही कहा जाएगा। और अभी फिलहाल जो स्थिति करंट की बनती हुई दिखाई दे रही है, इसके चलते मान सकते हैं कि अगर डैमेज होता है क्रॉप को, अगर नुकसान होता है, तो आगे चलकर कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। जी,